हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे पेस्टो पास्ता, बट इसे फुल ऑन देसी ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। जी हाँ, तो चलिए हम बनाते हैं हमारा धनिया और पुदीना पेस्टो पास्ता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियो फ्री में देखने मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। तो ये पास्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेने पास्ता, और मैंने ये वाला पास्ता यूज़ किया है। ठीक है, देखिए ये वाले शेप को पेने पास्ता कहते हैं और ये व्हीट से बना है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन सा पास्ता यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता है और इसे एज पर द पैकेट इंस्ट्रक्शंस हमें बॉयल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और इसे हमेशा ना पास्ता को सॉल्टी वाटर में बॉयल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। ठीक है, मैंने बटर गार्लिक पास्ता की रेसिपी भी शेयर की थी, उसमें मैंने कंप्लीट पास्ता को बॉयल कैसे करते हैं वो मैंने पूरा बताया। आप लोग जाके वो रेसिपी भी चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद बॉयल, जैसे ही इसमें बॉयल आए तो हमने जो भी पास्ता रखा है वो आप इसमें डाल दो। ठीक है, पास्ता की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अराउंड 300 से 350 ग्राम्स पास्ता लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करो और एज पर पैकेट इंस्ट्रक्शंस इसको बॉयल कर लेना। तो हमारा धनिया पुदीना पेस्टो पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे ढेर सारा धनिया ले लो, उसके बाद पुदीना, ठीक है, आधी जोड़ी पुदीना लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ली है, ये तीखी वाली हरी मिर्च है, मैंने 3 लिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। और हमें लहसुन लेना है, तो मैंने यहाँ से 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, क्योंकि छोटी वाली थी इसलिए 8 से 10 लिए। अगर बड़ी वाली हो आपके पास तो 4 से 5 ले लीजिए। तो उसके बाद एक मिक्सी जार में ये जो मैंने सब बताया वो आप इसमें एक एक करके डाल दीजिए, और मिर्ची को कट करके डाल देना। जो मिक्सी का छोटा वाला जार होता है ना, आप उसमें ये सब करना। गाइस, जो पेस्टो पास्ता होता है ना, उसे बेजिल लीव्स से बनाया जाता है, बट हमारे पास तो बेजिल लीव्स इजीली अवेलेबल नहीं होते ना, तो इसलिए मैंने ये वेरिएशन बताया है। इसे ये कोई भी आसानी से बना सकता है, पेस्टो पास्ता एंजॉय कर सकता है। तो देखिए इसे पहले ऐसे ही क्रश कर लीजिए, पानी इसमें बिल्कुल भी हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, जो पेस्टो सॉस होता है वो हमें पानी में नहीं बनाना है, वो पानी में नहीं बनता। तो इसके बाद इसमें डालो थोड़ा सा नमक, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, अराउंड 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, ज़्यादा मत डालना, आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यूजुअली पेस्टो पास्ता में पार्मेजान चीज़ जाता है, बट क्योंकि पार्मेजान चीज़ भी आसानी से अवेलेबल नहीं होता या किसी के पास नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ किया है। ठीक है, मैंने हर एक इंग्रेडिएंट का आपको अल्टरनेटिव बता रही हूँ, ताकि जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो डाल दो। और फिर पेस्टो पास्ता में यूजुअली पाइन नट्स जाते हैं, बट हमारे पास रेडिली काजू बादाम अवेलेबल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे बादाम डाले। मैंने यहाँ पे 12 से 15 बादाम डाले जिनको मैंने रात भर भिगो के रखा था, और उनके छिलके निकाल दिए। और फिर एक आधा नींबू डाला है मैंने। अगर आपके पास बादाम की जगह काजू भी हो तो आप काजू भी डाल सकते हो, या आप मेलन सीड्स भी डाल सकते हो। और फिर पेस्टो पास्ता को हमेशा ऑलिव ऑयल में ग्राइंड कर किया जाता है, बट ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, और इसको बस अच्छे से ग्राइंड कर लो। देखो हमारा कितना स्मूथ एंड क्रीमी पेस्टो पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, हर एक इंग्रेडिएंट का ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया, और यहाँ पे हमारा क्रीमी एंड डिलीशियस पेस्टो पास्ता का सॉस बनके बिल्कुल रेडी है। गाइस, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, और जो इसमें मिंट और कोरिएंडर की फ्रेशनेस है ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। तो उसके बाद पेस्टो पास्ता बनाना अब बिल्कुल ईजी है। तो जिसमें हमने पास्ता बॉईल किया था उसी में ये जो सारा हमने सॉस बनाया है पेस्टो वो डाल दो, और पास्ता वाटर ले लो, जो बॉईल किए करते हैं ना पास्ता, तो वो पानी आप कभी फेंकना मत, उसको बचा के रखना, वो वाला पानी आप यहाँ पे यूज़ कर लेना। ठीक है, मैंने एक बॉल पानी बचा के रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करो और इसमें एक बॉईल आने दो, बट उसके पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। ठीक है, अराउंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल दो, अच्छे से मिक्स करो, अब इसमें बॉईल आने दो। तो गाइस, ट्रेडिशनल पेस्टो पास्ता का ये देसी फाइड वर्जन है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना और कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी और ये आइडिया कैसा लगा।
तो चलिए अब देखो सॉस में बॉईल आ गया है। तो अब फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर दीजिए और इसमें धीरे धीरे पास्ता डाल दीजिए। लास्ट टाइम मैंने पास्ता डाला था तो वो सॉस पूरा बाहर गिर गया था। आपने अगर वो बटर गार्लिक पास्ता नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस बार धीरे धीरे चम्मच से पास्ता डाला है और एकदम ही हल्के से इसमें पास्ता डाला है क्योंकि पिछली बार सॉस थोड़ा सा बाहर गिर गया था। गाइज वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर चेकआउट करना, वो भी पास्ता काफ़ी डिलीशियस लगता है। तो धीरे धीरे पास्ता आप इस अपने पेस्टो सॉस में डाल दीजिए। गाइज पेस्टो पास्ता जो है ना वो जिनोआ में ओरिजिन हुआ था, जो नॉर्दर्न इटली में है, ठीक है। और ये पेस्टो पास्ता जो होता है ना उसमें गार्लिक, बेसिल, पाइन नट्स होते हैं जो पार्मेसान चीज़ और ऑलिव ऑयल में ब्लेंड किए जाते हैं। बट ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल तो नहीं होते, तो हमारे पास आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स का अल्टरनेटिव लिया है और उससे मैंने ये देसीफाइड पेस्टो पास्ता बनाया है। और उसके बाद एक कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो गाइस देखिए ग्रीन ग्रीन पास्ता में रेड रेड चिली फ्लेक्स कैसे मस्त लग रहे हैं। और बस उसको थोड़ा सा मैंने जो प्रोसेस चीज़ है उसको थोड़ा सा ऊपर से ग्रेट करके डाल दिया है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस, आपको नहीं डालना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और बस सब एक बार अच्छे से मिक्स कर लो और हमारा देसीफाइड पेस्टो पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस के कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ कि आप लोग ये कब ट्राई करने वाले हो, और अगर आप ट्राई करोगे तो मुझे पिक्स ज़रूर भेजना। और गाइस ये वाला पास्ता भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ऑलिव ऑयल, पार्मेसान चीज़ और बेसिल लीव्स का बेहतरीन अल्टरनेटिव, धनिया, पुदीना, प्रोसेस चीज़ और हमने डाला है सनफ्लावर ऑयल। तो गाइस ये आइडिया भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना और हाँ सब दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपी पहुँचे। और गाइस नए हो तो सब्सक्राइब एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।